हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल इन दिस कंट्री, दे आल्सो नो अबाउट दैट, दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन। ये जो सारी चीजें जो मोदी सरकार करती है, ये ध्यान बटाने का, सिर्फ ध्यान मुद्दों से भंग करने का तरीका मात्र है। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है, आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। मेरी रियासत में इलेक्शन है, दूसरी रियासतों में नहीं है, मैं गिर जाता हूँ, फिर ये सदर का राज लगाएंगे उनपे, जब तो 5 साल दूसरा इलेक्शन आएगा। क्या मकसद है इसका, किनको बेवकूफ बना रहे हो? हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़े। इंडिया अलायंस आल्सो टोल्ड अर्लियर इटसेल्फ, इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल इन दिस कंट्री। वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल इन दिस कंट्री, दे आल्सो नो अबाउट दैट, दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द प्रेजेंट इश्यू फ्रॉम द प्रेजेंट इश्यू दिस कंट्री। And that's only. Let us see. Certainly, it is not at all practical. India Alliance is not in favor of it. Congress Party is not in favor of it. India Alliance already told this thing earlier. यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। प्रैक्टिकली नहीं है भाई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने घटक दलों की सरकारें गिराएंगे? क्या आप जदयू की सरकार और टीडीपी की सरकार गिरा देंगे और वो मूक दर्शक बन के बैठ के देखते रहेंगे? क्या आप भाजपा के मुख्यमंत्रियों को राजी कर लेंगे सरकार गिराने के लिए? ये सारी चीजें जो मोदी सरकार करती है, ये ध्यान बटाने का, सिर्फ ध्यान मुद्दों से भंग करने का तरीका मात्र है। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है, आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं, जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है। और भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस के शीर्ष चर्निंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। आप तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। और ये दो हिसाब से भी, एक तो आज देश की राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये पहले जब ऐसा चुनाव होते थे वो स्थिति आज नहीं है। आज कई जगह मिलीजुली सरकारें हैं, कई जगह क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न मतों की सरकारें हैं, और उन सरकारों के अपने तरीके के एजेंडाज हैं। उसी में हमारे देश एक विविधतापूर्ण देश भी है। उस देश में आप बदले हुए हिंदुस्तान के ऊपर इस तरीके के आइडिया को नहीं थोप सकते हो। दूसरा कारण जो है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, कई संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, और इनके पास न लोकसभा में अपने दम पर ये पास करवा सकते हैं, न राज्यसभा में करवा सकते हैं। तो इनको दो में से स्थिति, इनको ये लग रहा था कि एक के बाद एक राज्यों में यदि हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो भरभरा करके गिर जाएगी, इसलिए ये इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, ये देश के संघीय ढांचे के हित में नहीं है। आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए
अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार, 2 साल बाद सरकार गिर जाती है कहीं की, किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी, 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी, तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा, 2032, बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन, 2030, तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा, संभव ही नहीं है। जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते कि गवर्नमेंट्स अगर गिरती हैं तो वो अब अगर चुन के आएंगी तो शेष 5 साल के समय के लिए ही चुन के आएंगी, या आप चुनाव ही नहीं कराओगे। अभी एक साथी ने पूछा कि गवर्नर रूल लगा देंगे क्या, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे क्या, तो आप कहोगे कि हमको तो 5 साल का मेंटेन करना है, 1 साल में अभी सरकार गिर गई तो अब चुनाव नहीं होगा क्योंकि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम टूट जाएगा, तो 4 साल के लिए गवर्नर रूल रहेगा, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल रहेगा, और संविधान के उस प्रावधान का क्या होगा जो कहता है कि 6 महीने में आपको चुनाव कराना ही है रिक्त स्थान में, वो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, नहीं नहीं वन नेशन वन इलेक्शन हमको कराना है, तो अगर सरकार बीच में गिरती है तो 5 साल का क्रम टूट जाएगा, तो 5 साल हम नहीं बदल रहे, अब ये जो शेष समय के लिए इसमें गवर्नर्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगेगा। ब्रूट मेजोरिटी थी जब इन्होंने ये चीज डाली थी, मकसद क्या था, प्रेसिडेंट बनने का, प्रेसिडेंट आप देखना जो मैं बात आपसे कहता हूं यही करेंगे, ये इनको डेमोक्रेसी की तरफ नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, अनेकता में एकता, एकता ये है भारत, कैसे भारत को मिलाएंगे, मेरी रियासत में इलेक्शन है, दूसरी रियासतों में नहीं है, मैं गिर जाता हूँ फिर ये सदर का राज लगाएंगे उन पे, जब तो 5 साल दूसरा इलेक्शन आएगा, क्या मकसद है इसका, किनको बेवकूफ बना रहे हो, यह वतन बहुत बड़ा है, इसमें कई तब्दीलियां आएंगी। 4 स्टेट्स का चुनाव इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं वो, या करने नहीं दे रहे हैं, 2 स्टेट्स का कर रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पोस्टपोन किए हैं, बाय इलेक्शन सारे पोस्टपोन कर रहे हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार वो काम करना चाहते हैं और हमेशा जनता को भ्रमित करने के लिए नए नए एजेंडा लेकर आते हैं। आज सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 10 महीने में आपने क्या किया है, 6-5 महीने में जहां जहां सरकारें आपकी बनी हैं, 10 महीने हो गए हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तीनों स्टेट्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है और सरकार हर मोर्चे पर इस बैकफुट पर है। केंद्र का चुनाव राज्य का चुनाव एक बार हो तो उसके लिए पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, कल कोई राज्य में सरकार बनती है और फिर अकारण किसी कारण से वो सरकारें गिर जाती है तो क्या उतने काल अवधि तक उन राज्यों में प्रेसिडेंट रूल रहेगा या फिर सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, ये सारे सवाल हैं और थोड़ा अनप्रैक्टिकल दिखता है। बाबत भी केंद्र सरकार ने निर्णय कैबिनेट से लिया है, राज्यों के चुनाव होना है, महाराष्ट्र हो, हरियाणा है, फिर झारखंड के भी चुनाव हैं, तो अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस राग को कई बार आलापी है पर इसका कोई पुख्ता एक ड्राफ्ट तैयार कर करके अभी तक पीपुल डोमेन में नहीं डाली है कि हम किस रूप में करेंगे। अगर लगता है कि तत्काल करना है तो क्या चुनी ही केंद्र की सरकार राज्यों के चुनाव के साथ भांग करके एक बार कराना चाहते हैं, या जिन राज्यों में चुनाव ड्यू है, होने हैं फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में, उन राज्यों के चुनाव रोक दिए जाएंगे, आखिर वन नेशन वन इलेक्शन होगा कैसे, या फिर आने वाले कल में एक साथ कराएंगे, वो सारे सवाल हैं, थोड़ा अव्यवहारिक प्रतीत होता है। कि हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है और मैं बताता हूं क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे, 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया, इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे, उसको भी छोड़ो। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो,
ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ तीन राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ चार राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूंगा, क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे? और 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपनी मनमर्जी एलजी के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे? एलजी के माध्यम से कई सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का काम बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। तो क्या ये इनका एक सिनिस्टर प्लान है कि ऐसे करके राज्यों को डिस्टेबलाइज किया जाए? भारतीय जनता पार्टी देश की तमाम ऐसी बहुत ही ज्वलंत और जनोपयोगी समस्याएं हैं, जैसे महंगाई है और बेरोजगारी है, करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे बेकार हैं, न जाने कितने नौजवानों ने अपना आत्महत्या कर लिया, अपनी डिग्रियां जला ली, और ये हमारे देश की संपदा है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है, देश की संपदा, देश की दौलत हमारे नौजवान, हमारे देश के रहने वाले लोग हैं। तो उनके रोजगार के बारे में, उनके सरकारी नौकरी के बारे में सरकार का ध्यान नहीं है। करोड़ों करोड़ों नौजवान और महंगाई चरम सीमा पे है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। हमारा देश खेती प्रधान देश है, खेती प्रधान देश है, 72% लोग खेती